अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ अखा मसूर की दाल। आज मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, तो मैं बोली आज मैं अखा मसूर की दाल चावल रोटी बना देती हूँ। तो इसके लिए जा रही हूँ वही बनाने खाती। तो देखिए ये दाल है, दाल मैंने 250 ग्राम से भी ज़्यादा लिया है, 1.5 पाव दाल लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। ये देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसी में डाल देना है हल्दी। आज सिंपल सा मतलब दाल चावल रोटी रहेगा। ये दाल मतलब बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। ये दाल बनाएंगे तो भाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये खुद ही इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बनती है। इसे हमें रख देना है 4-5 सीटी आने तक का। ये देखिए इसका मसाला है ना, मिर्ची, कांदा, कड़ी पत्ता और ये लहसुन है। लहसुन को मैंने छील के ऐसा बारीक थोड़ा काट लिया है। ये टमाटर है और ये मिर्ची है, मैं आज मिर्ची फ्राई करूँगी। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। ये दाल बनाने का दो फायदा है, एक तो दाल का भी काम करता है और दूसरा भाजी का भी। ये दाल बना लो तो भाजी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तेल गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें लहसुन डाल देती हूँ। देखिए लहसुन ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे कांदा। ये देखिए कांदा पूरा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, मैं तो ये बिना अदरक लहसुन डाले भी बहुत अच्छा बनता है। एक मिनट तक भूनना है ताकि वो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है, सब निकल जाए। अब इसमें ऐड कर देना है टमाटर। ये मैंने तीन चार टमाटर लिया है छोटे छोटे, क्योंकि कांदा टमाटर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो इसी से ही हमारा मसाला। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक दाल में भी डाला है हमने, इसके लिए थोड़ा इसमें कम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक देना है ताकि टमाटर गल जाए अच्छी तरह से। देखिए मस्त में माशाल्लाह खूब अच्छी तरह से टमाटर, कांदा, मिर्ची सब गल गया है और देखो तेल भी पूरा छोड़ दिया है, दिख रहा है ना। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी दाल और ये मैंने मिर्ची फ्राई कर लिया है, दिख रहा है। सिंपल सी मिर्ची फ्राई की हूँ मैं नमक लगा के। दाल डाल लेना है, दाल मैंने 6 सीटी में खूब अच्छी एकदम परफेक्ट दाल हो गई है, आप देखिए। ये देखिए दाल कितनी अच्छी हो गई है। सिर्फ हल्दी और नमक लगा के इसे उबालना है बस। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे या तो फिर ये थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। आज हमारा यही दाल रहेगा। अब ये जब खूब अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसमें मैं कोथमीर ऐड करूँगी। ये दाल मेरे शाजेब को, आलिया को, रहीम को, मतलब सबको बहुत पसंद है। मेरे घर में ये दाल सबको बहुत पसंद है, तो इसके लिए हम लोग ये दाल मतलब सैटरडे को ज़्यादा ही करके बनाते हैं ये दाल। और ये मेरी सास की रेसिपी है, वो मुझे सिखाई थी ये दाल बनाने का, मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने बताया मुझे।
अब यहाँ पे मैं डालती हूँ कोथमीर। दाल पक रही है, देखिए दाल पक रही है। अब इसमें मैं थोड़ा सी कोथमीर डाल दूंगी। बस नमक वमक सब एकदम परफेक्ट है, सब एकदम अच्छे से है। आज ये दाल चावल रोटी सिंपल सा खाना आज हम लोग खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज ये अक्खा मसूर की दाल पसंद आएगी इसकी वीडियो। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए बनाने का। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलूँगी एक नई दाल के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।